नमस्कार, मैं हूँ ईशानी प्रेम और आप देख रहे हैं बिफोर प्रिंट डॉट इन। लोकसभा चुनाव 2019 के रिजल्ट 23 मई को आ चुके हैं। कई ऐसे नेता थे जिनके बीच खुशी की लहर थी और कई ऐसे भी नेता थे जो जिन्हें हार का सामना करना पड़ा, और कई ऐसे भी नेता हैं जो किसी जमाने में अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे फिर भी अपने प्रदेश की सीट तक ना बचा पाए। और हमारे पास उन्ही नेताओं की लिस्ट है, तो चलिए उस नेताओं की लिस्ट में सबसे टॉप पे अगर कोई है तो हम आपको बताते हैं, वो है दिल्ली की शीला दीक्षित। शीला दीक्षित 15 साल तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रही हैं और फिर उन्हें बाद में केरला का राज्यपाल भी घोषित किया गया था। शीला दीक्षित और मनोज तिवारी की टक्कर हुई थी जिसमें मनोज तिवारी ने उन्हें 3 लाख से भी ज्यादा वोटों से हराया है। शीला दीक्षित को कुल 4,21,697 वोट मिले और मनोज तिवारी को 7,87,799 वोट मिले। और दूसरी तरफ हमारे पास है हरियाणा की सीट। हरियाणा की सोनीपत की जो सीट थी वो काफी हॉट सीट बताई जा रही थी, जिसमें आमने सामने आए थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भाजपा प्रत्याशी रमेश कौशिक। भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2005 से अक्टूबर 2014 तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे थे और फिर रमेश कौशिक ने उन्हें शिकस्त दी है कुल 1,64,864 वोटों से। रमेश कौशिक को 5,87,664 वोट मिले और भूपेंद्र हुड्डा को 4,22,800 वोट मिले। फिर अगला नंबर है उत्तराखंड का। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत और भाजपा प्रत्याशी अजय भट्ट के बीच इस चुनाव में जंग हुई और इसमें अजय भट्ट ने उन्हें 3,39,096 वोटों से हराया। अजय भट्ट को कुल 7,72,195 वोट मिले और हरीश रावत को 4,33,099 वोट मिले। वहीं अगर हम बिहार की बात करते हैं तो बिहार में मुख्यमंत्री रहे जीतन राम मांझी और विजय मांझी के बीच टक्कर हुई थी, जहां विजय मांझी ने उन्हें कुल 1,50,000 वोटों से हराया और विजय मांझी को 4,62,360 वोट मिले। वहीं जीतन राम मांझी को 3,10,565 वोट मिले। कहा जाता है ये भी है कि चाहे कोई कुछ भी कर ले, इस सीट पर सिर्फ मांझियों की ही जीत होती है, तो चाहे जीतन राम मांझी हो या विजय मांझी, इस सीट पर मांझी ही आएंगे। और फिर अगर हम बात करते हैं झारखंड की, तो झारखंड के पहले मुख्यमंत्री और पुराने पूर्व मुख्यमंत्री रहे और विकास मोर्चा अध्यक्ष के प्रत्याशी बाबूलाल मरांडी को भाजपा की अन्नपूर्णा देवी से हार का सामना करना पड़ा था। भाजपा की अन्नपूर्णा देवी ने उन्हें 4,55,600 वोटों से हराया। काफी बड़ी मात्रा है ये। और अन्नपूर्णा देवी को तकरीबन मिले थे 7,53,016 वोट और बाबूलाल मरांडी को सिर्फ 2,97,416 वोट ही मिले। किसी जमाने में ये झारखंड के पहले मुख्यमंत्री थे और आज इन्हें सिर्फ 2,97,416 वोट ही मिले। फिर आगे हम झारखंड की बात करते हैं, तो झारखंड के एक और मुख्यमंत्री हमारे बीच और मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी शिबू सोरेन की डिटेल है, जिन्होंने हार का सामना करना पड़ा भाजपा प्रत्याशी सुनील सोरेन से। दुमका की सीट थी और यहाँ पे सुनील सोरेन ने उन्हें 47,590 वोटों से हराया। ज्यादा बड़ा अंतर नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी जहां शिबू सोरेन को 4,37,333 वोट मिले, वहीं सुनील सोरेन को 4,84,923 वोट मिले थे। आपको बता दें कि शिबू सोरेन 2005 में 10 दिनों के लिए, सिर्फ और सिर्फ 10 दिनों के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री बने थे और फिर 2008 में वो मुख्यमंत्री बने झारखंड के। फिर अगले हम आगे बढ़ते हैं, तो हम बात कर रहे हैं अब भारत के 11वें प्रधानमंत्री और कर्नाटक के 14वें मुख्यमंत्री की। ये हम भारत के 11वें प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं HD देवगौड़ा की, जिनकी लड़ाई हुई थी भाजपा के GS बासवराज, जहां HD देवगौड़ा को 5,82,788 वोट ही मिले और S पासवाराज को 5,96,127 वोट मिले, यानी कुल 13,399 वोटों का फासला था। ये काफी कम है लेकिन फिर भी। और फिर अगर हम बात करते हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता
विडप्पा मोयली की, ये कर्नाटक की सीट है और ये कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं और इनकी लड़ाई थी भाजपा के उम्मीदवार बी एन बाचेगौड़ा से जो कि चिकबल्लापुर की सीट है और यहाँ पे 182,110 वोटों से हराया है बी एन बाचेगौड़ा ने विडप्पा मोयली को, जहाँ बी एन बाचेगौड़ा को 7,45,912 वोट मिले, वहीं पे विडप्पा मोयली को 5,63,802 ही वोट मिले। फिर हम आगे चलते हैं, मेघालय की बात करते हैं। तो मेघालय के मुकुल संगमा को अगाथा संगमा ने 63,772 वोटों से हराया है, काफी कम है ये लेकिन। और जब हम बात करते हैं तो मुकुल संगमा को मिले हैं 2,40,123 वोट और अगाधा संगमा को 3,03,895 वोट मिले। आगे हम मध्य प्रदेश की ओर बढ़ते हैं और मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं कि दिग्विजय सिंह को की लड़ाई प्रज्ञा ठाकुर से हुई थी और प्रज्ञा ठाकुर ने उन्हें तकरीबन 3,64,822 वोटों से हराया है, जहां दिग्विजय सिंह को 5,01,600 वोट ही मिले, वहीं प्रज्ञा ठाकुर को 8,67,482 वोट मिले। और हम फिर आगे बढ़ रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश में अगर हम देख रहे हैं तो नवाब तुकी को किरण रिजिजू ने 1,40,000 वोटों से हराया, सिर्फ और सिर्फ 1,40,000 नवाब तुकी अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। और फिर हम बात करते हैं आखिर में महाराष्ट्र की सीट की, तो महाराष्ट्र में अशोक चौहान को भाजपा के प्रत्याशी प्रतापराव पाटिल ने 40,148 वोटों से हराया है, 40,100 काफी कम है ये लेकिन 40,148 वोट। और फिर महाराष्ट्र के सुशील शिंदे, ये महाराष्ट्र की ही सीट है, दूसरी सीट है, सुशील शिंदे ने को भाजपा के ही प्रत्याशी ने सिद्धेश्वर एस महास्वामी जी ने कुल 1,98,608 वोटों से हराया है। तो ये थी हमारे उन मुख्यमंत्रियों की डिटेल्स जो किसी जमाने में अपने राज्य के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और अभी इस 2019 के चुनाव में वो अपनी सीट तक ना बचा पाए, ज्यादातर भाजपा के प्रत्याशियों ने उन्हें शिकस्त दी है। तो आगे की डिटेल हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन जरूर दबाइए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।